हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप जहाँ कहीं भी है खुश रहिए। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर भागवत गीता से लिया गया एक बहुत ही अच्छे सीख सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अत्केन प्रयुक्ता नाम पापम चरित पुरुषा अनिच्छन्नपि वर्षणये बालावधि नियोजिता। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, मनुष्य खुद ना चाहकर भी किससे प्रेरित होकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं, वह गलत काम क्यों करते हैं। श्री कृष्ण के कहे अनुसार रास्ते पर क्यों नहीं चल पाते, ऐसा क्या हो जाता है लोगों के साथ कि वह सही रास्ते पर नहीं चल पाते, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, चाहे वह इस बात को जानते हो या ना जानते हो। पाप के लिए उनकी बुद्धि, उनका मन, उनका गुण किसको दोष दें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, राग द्वेष, राग द्वेष से उत्पन्न होता है काम, और काम से उत्पन्न होता है क्रोध, और ये कभी घटता नहीं, हमेशा ही बढ़ता रहता है। इसे हमें सबसे बड़े शत्रु मानना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आखिर पापी पाप क्यों करता है, उसके पाप करने की वजह क्या है। तो वजह है राग द्वेष। राग द्वेष का मतलब होता है काम क्रोध, और इसी के वजह से काम क्रोध राग द्वेष जैसी भावक उत्पन्न होती है, जो कि पाप की वजह है। इन द्वेषों को भी श्री कृष्ण जी शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको इसे रोकने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इससे यही सीख मिलती है कि गुस्सा के वजह से ही मनुष्य से पाप होती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।